आज हम बनाएंगे गुजरात का फेमस हांडवा। तो हांडवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं चावल, चने की दाल और उड़द की दाल। तो यहाँ पे मैंने चावल 2 कप लिया है, 1 कप चने की दाल ली है और आधा कप उड़द की दाल ली है। इन सबको हमें ओवरनाइट या फिर 4 से 5 घंटे तक भिगो के रखना है। और यहाँ पे मैंने 1 कप पोहा भी लिया है, पोहा को हम आधा घंटा भिगो के रख देंगे। तो पोहा से हमारा ये जो बैटर है बहुत ही फ्लफी बनेगा और हमारा हांडवा भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो अब इन सबको हम एक मिक्सी में पीस लेंगे। तो मिक्सी में मैंने सबसे पहले ये सब इंग्रेडिएंट्स जो मैंने भिगो के रखे थे वो डाले हैं, और मैंने 3 से 4 चम्मच खट्टा दही लिया है और उसको मिक्सी में पीस लिया है। तो ये देखिए, हमारा ये बैटर इतना गाढ़ा होना चाहिए, हमें बहुत ही पतला नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर हम और भी कुछ ऐड करने वाले हैं जिससे हमारा बैटर थोड़ा सा पतला होगा। तो इसको हम इतना ही ठीक रखेंगे, बहुत पतला नहीं करेंगे। और अब इसको ढक के 4 से 5 घंटे के लिए हम धूप में या फिर कोई गर्म जगह पर उसको फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। चार से पांच घंटे हो चुके हैं और ये हमारा बैटर फर्मेंट होके एकदम रेडी है। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा फूल गया है, तो थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है पहले से। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कद्दूकस की हुई लौकी। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज की लौकी ली है और अब इसको बैटर के अंदर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लौकी में ऑलरेडी बहुत पानी होता है, तो हमने जो बैटर थिक रखा था तो वो लौकी की वजह से थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा, इसीलिए हम पहले बैटर को थोड़ा थिक रखेंगे। तो हमें जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए वैसी हमें मिल जाएगी। बैटर अगर पतला होगा, बहुत ही लिक्विडी होगा, तो हमारा हांडवा परफेक्ट नहीं बनेगा। तो परफेक्ट हांडवा बनाने के लिए हमें बैटर भी परफेक्ट चाहिए। और लौकी को कद्दूकस करके तुरंत इसके अंदर ऐड करना है। अगर लौकी पड़ी रहेगी तो उसका कलर डार्क हो जाएगा और हमारा बैटर भी कलर में थोड़ा सा डार्क रहेगा। तो हमें पहले लौकी को कद्दूकस करके तुरंत उसके अंदर ऐड करना है। और अब उसके अंदर ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर। यहाँ पे मैंने 2 से 3 गाजर का यूज़ किया है और अब उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आपको जो भी वेजिटेबल पसंद हो वो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो और उसको बारीक चॉप करके या फिर कद्दूकस करके उसको हम ये बैटर में ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने लिया है धनिया, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, और उसको भी इसके अंदर ऐड करके मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेजिटेबल की वजह से हमारा ये जो बैटर है वो एकदम कलरफुल लग रहा है और परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब इस बैटर को टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर हम बघार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है लहसुन, मिर्च और अदरक। तो इसको हम चॉपर में बारीक चॉप कर लेंगे। हमें इतना ही बारीक चॉप करना है, उसकी पेस्ट नहीं बनानी है। अगर आप चाहो तो उसको कूट के भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा दरदरा ही कूटेंगे। और अब एक पैन लेंगे और उसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल गरम हो जाए उसके बाद उसके अंदर हम डालेंगे राई। राई फूट जाए उसके बाद उसके अंदर हम डालेंगे खड़े मसाले। तो यहाँ पे मैंने तेज पत्ता और सूखी मिर्च ली है, तो उसको थोड़ी देर भूनने देंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे करी पत्ता। और अब यहाँ पे मैंने मूंगफली ली है, उसको मैंने कूट लिया था, तो उसको ऐसे ही थोड़ा सा मोटा ही रखना है, एकदम बारीक नहीं कूटेंगे, तो उसके पीसेस हमें दिखने चाहिए। और अब उसको भी इसके अंदर ऐड करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मूंगफली थोड़ी सी सिक जाए तब तक हम उसको भूनेंगे, और यहाँ पे 2 से 3 मिनट में अच्छे से भून जाएगी, थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी। और अब 2 से 3 चम्मच जो हमने अदरक लहसुन और मिर्च पीस के रेडी किया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे और उसको भी अच्छे से भून लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सब कुछ अच्छे से भून गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हल्दी। तो यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच जितनी हल्दी ली है और उसको मिक्स कर लिया है। यहाँ पे हल्दी ऐड करने से इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा और हल्दी का जो कच्चापन है वो भी चला जाता है, तो टेस्ट में भी अच्छा लगता है। तो अब इस मिक्सचर को हम ये बैटर के अंदर ऐड कर लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। ये जो हमने बैटर रेडी किया है वो थोड़ा सा खट्टा है, तो अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा गुड़ भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। हमारे घर में सबको थोड़ा सा मीठा पसंद है, तो मैंने इसके अंदर 2 से 3 चम्मच गुड़ ऐड किया है।
और अब ये बैटर हमारा एकदम रेडी है, तो इसको एक बोल में निकाल लेंगे, जितना हमें चाहिए उतना हम निकाल लेंगे। मैंने 3 से 4 कंचे जितना बैटर लिया था, तो इसके अंदर मैंने 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा लिया है, और अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ दिया है, जिससे हमारा सोडा एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपको इनो यूज़ करना है तो भी आप कर सकते हो। और अब एक पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसको गर्म करने के लिए रख दिया है, और जिस बैटर के अंदर हमने बेकिंग सोडा डाला था उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब ये ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर डालेंगे तिल और उसको ढक देंगे, और उसके बाद जब तिल अच्छे से फूट जाए तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, और इसके ऊपर ये जो हमने बैटर बनाया था वो उसके ऊपर डाल देंगे, और उसको थोड़ा सा हम फैला देंगे, ज़्यादा नहीं फैलाएंगे, बस थोड़ा सा ही फैलाएंगे, और अब उसको ढक के एकदम लो फ्लेम पे हम 10 मिनट के लिए उसको पकने देंगे। यहाँ पे हमें नॉनस्टिक कढ़ाई या फिर कोई मोटे तले वाली कढ़ाई चाहिए, वरना हमारा बैटर नीचे से चिपक सकता है, तो हम ऐसी ही कढ़ाई लेंगे जिसमें नीचे से चिपके नहीं। और ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा हांडवा ऑलमोस्ट नीचे से पक के रेडी हो चुका है, अच्छे से फूल चुका है, और अब इसको हम पलट लेंगे। तो इसको धीरे से नीचे से उठा के ऐसे पलट लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा हांडवा नीचे से एकदम बढ़िया से पक चुका है, उसका कलर भी बहुत ही परफेक्ट आया है। और अब इसको ढककर दूसरी साइड से भी हम 5 से 10 मिनट के लिए उसको पका लेंगे, ताकि दोनों साइड से अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए हमारा हांडवा बन चुका है, दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है, तो अब इसको हम निकाल लेंगे। तो ये लीजिए हमारा हांडवा एकदम रेडी है, और ये देखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है और अच्छे से फूल चुका है। इसका मतलब है कि एकदम सॉफ्ट बना है, और अब इसके हम पीसेस कर लेंगे। तो ये लीजिए एकदम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हांडवा रेडी है। इसको आप ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में कभी भी बना सकते हो। और इसको मैंने लहसुन की चटनी और कच्चे ऑयल के साथ सर्व किया है। यहाँ पे मैंने मूंगफली का कच्चा ऑयल लिया है, वो बहुत ही टेस्टी लगता है इसके साथ, तो एक बार आप भी जरूर ट्राई करना। ओके, तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब। ओके बाय।